आरक्षण की मांग कर रहे दो समाज के साथ जयपुर में पुलिस ने बेहद सख्त व्यवहार किया। हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों को कई बार समझाने के बाद भी जब वे नहीं माने तो पुलिस ने दोनों ओर से घेरकर उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस के अचानक बल प्रयोग किया और उसके बाद तो बवाल मच गया। पुलिस ने लाठियां बरसाई तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसी पथराव और लाठीचार्ज के दौरान करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी और डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया है। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दबोचना शुरू किया तो तीन थाने भर गए। बताया जा रहा है कि दो घंटे में ही 150 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। विश्वकर्मा, दौलतपुरा और हरमाड़ा थानों में इन्हें बंद किया गया है। मौके पर मौजूद समाज के पदाधिकारियों के वाहनों में भी ताबड़तोड़ कर दी गई है। दरअसल माली और कुशवाहा समाज और राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के हजारों कार्यकर्ताओं ने अलग से आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार देर रात सीकर व अजमेर दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। दोनों हाईवे पर 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना पर एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा और कैलाश विश्नोई भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, समझाइश की लेकिन बात नहीं बनी। इससे पहले विद्याधर नगर स्टेडियम में इनका दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। गुरुवार शाम को समाज का प्रतिनिधिमंडल सीएमओ भी गया लेकिन सहमति नहीं बन पाई। देर रात जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और समाज के पदाधिकारियों को कहा कि वे इस तरह से प्रदर्शन नहीं करें जिससे लोगों को परेशानी हो, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे, उन्होंने हाईवे नहीं छोड़ा। बाद में कमिश्नर रवाना हो गए। कुछ देर के बाद ही पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचने लगी और पुलिस ने चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, क्या है पूरा मामला? जैसे दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां एक बजे की तस्वीर है जहां पर धरना दिया जा रहा है, वहीं सुबह 7 बजे वाली जो तस्वीर है उसमें पुलिस द्वारा खदेड़ दिया गया है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, रात को 11 बजे से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है। सुबह करीब 4 से 5 बजे तक ये पूरा घटनाक्रम चला है। वर्तमान में स्थिति ये है कि जो सीकर रोड जो नेशनल हाईवे है, दोनों उनको पुलिस ने जो है उनको सुचारू करवा दिया है। वहां से ट्रैफिक जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया है। करीब 15 लोगों के चोटें आई हैं, उधर 5 से 6 पुलिस कर्मियों के भी चोटें आई हैं। दरअसल ये जो समाज है, माली समाज है, सैनी समाज है, कुशवाहा समाज है, ये 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं पिछले काफी समय से। इससे पहले करौली में और सवाई माधोपुर में भी जाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो प्रतिनिधि दल था मुख्यमंत्री का, उन्होंने समझाइश करके और जल्द ही आरक्षण का लाभ दिलाने की बात करके नियमानुसार वो जाम खुलवाया था। लेकिन कल ये फिर प्रदर्शन हुआ है, लेट नाइट को प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जी, बता रहे हैं कि इतनी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि तीन थाने भर गए हैं, वो कौन कौन से थाने हैं जहां पर इनको ले जाया गया है? देखिए, विश्वकर्मा थाना है, दौलतपुरा थाना है, हरमाड़ा थाना है। करीब 150 लोग वहां हैं जिनको हवालातों में बंद किया गया है। उनमें से कईयों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार दिखाया गया है और साथ ही बहुत से लोगों को जो पुलिस की जो सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालने की जो धाराएं रहती हैं, राजकार्य में बाधा डालने की जो धारा रहती है, उसमें अरेस्ट किया गया है। तो बड़ी संख्या है। और अब समाज के जो प्रतिनिधि हैं, समाज के जो पदाधिकारी हैं, उनमें आक्रोश है पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर। तो संभवतः कुछ समय बाद और भी बड़ा आंदोलन देखने को जयपुर में मिल सकता है। जी, जिस तरीके से है कि एक बड़ी तादाद में लोग धरने पर बैठ गए हैं, तो क्या प्रशासन को पहले से सूचना नहीं थी कि इस तरीके का जाम लगेगा या कुछ तैयारी नहीं थी प्रशासन की? देखिए, सबसे पहले तो विद्याधरनगर स्टेडियम में इन लोगों का धरना जारी था। एक टीम कल शाम को सीएमओ गई थी, वहां वार्ता विफल हुई थी। उसके बाद जो विद्याधरनगर का जो धरना था उसको खत्म करना था, लेकिन ये लोग अचानक सीकर रोड की तरफ आने लगे। धीरे धीरे सड़क पर जाम लगाने की इन्होंने कोशिश की और रात करीब 10:30-11 बजे के आसपास, जब बड़ा ट्रांसपोर्ट चालू हो जाता है सड़कों पर, हाईवे पर, उस समय इन्होंने जाम लगाया। तो दोनों तरफ करीब 5 से 6 किलोमीटर तक ट्रकों की और बड़े जो वाहन है, लोडिंग वाहन है, उनकी लाइनें लगी। पुलिस को सूचना मिली, 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की
उसके बाद एडिशनल कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग डटे रहे, इन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं। और बाद में करीब सुबह 4 से 5 बजे के आसपास आज सवेरे इनके ऊपर पुलिस ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, लाठीचार्ज किया है, उसके बाद जाम तो खुलवा दिया गया है, लेकिन माहौल फिलहाल खराब है। जी जयंत, जिस तरीके से जो लोग घायल हुए हैं उनकी अभी क्या स्थिति बताई गई है, क्योंकि प्रशासन के लोग भी काफी घायल हुए हैं, वहीं प्रदर्शनकारी भी हुए हैं, तो क्या कुछ स्थिति है उनके? देखिए, जो पदाधिकारी हैं समाज के, उनसे कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि 6 से 7 लोग गंभीर हैं जो अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, 10 से 12 लोग हैं जिनके चोटें लगी हैं लेकिन जिनको मरहम पट्टी कराई गई है। उधर पुलिस के कितने पुलिसकर्मी घायल हैं, पुलिस ने इसका सीधा इस बारे में कोई बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 से 6 पुलिसकर्मियों के पत्थर लगे हैं, उनके मामूली चोटें आई हैं। तो दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, नुकसान दोनों पक्षों को हुआ है, लेकिन अब फिलहाल हाईवे दुरुस्त है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जी, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि काफी पुलिस जो कर्मी है वो भी घायल हुए हैं? देखिए, इसमें 3 धाराएं बनती है अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो। सबसे पहले तो राजकार्य में बाधा का, उसके बाद पुलिस के ऊपर हमले का, और उसके बाद हाईवे वगैरह जाम करने का। तो ये 3 धाराएं हैं, इन 3 धाराओं में से किसी न किसी धाराओं में जो प्रदर्शनकारी है उनके खिलाफ केस होगा, और बहुत से प्रदर्शनकारियों को शांति भंग की धाराओं में भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है हाईवे की, और जो प्रदर्शनकारी है क्या वहां से चले गए हैं या फिर वो फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसी कोई सूचना सामने आ रही है? देखिए, जो सीकर रोड 14 नंबर पुलिया है और दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे है जहां लेट नाइट तक जाम रहा, वहां पर फिलहाल पुलिस दल मौजूद है। प्रदर्शनकारी की बात करें तो वहां कोई व्यक्ति नहीं है, मालिया सैनी समाज का या कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं, बैरिकेडिंग वहां की गई है ताकि दोपहर में या शाम तक फिर से माहौल ना बिगड़े, और अगर माहौल बिगड़ता है तो उसके लिए पुलिसकर्मी पहले से तैयार है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।